जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीबीएसई रिजल्ट एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक। र्यूमर्स टेस्ट स्टूडेंट्स पेशेंस, नॉट ओनली स्टूडेंट पेशेंस बट आल्सो पेरेंट्स पेशेंस। ये जो खबर है, ये 4 मई को, 4 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश हुआ है। मतलब आप जानते ही हैं कि जब सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, या आने का जो डेट जैसे जैसे पास में आता है, बहुत सारे र्यूमर्स सोशल मीडिया के माध्यम से फैलते हैं छात्रों और पेरेंट्स के अंदर। कई न्यूज वेबसाइट या न्यूज हैंडल्स क्लेम करते हैं कि आज या कल शाम को सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और जब ऐसी खबरें र्यूमर्स छात्रों और पेरेंट्स के सामने आते हैं, तो एक तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो परेशान होते हैं कि रिजल्ट आ गया है, कहाँ चेक करना है, कैसे चेक करना है। और जबकि रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है। तो आज इसी परेशानी को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो उस समय आप रिजल्ट कैसे देखेंगे और अपने रिजल्ट की मार्कशीट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोनों चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे, रिजल्ट कब आने वाला है, और दूसरा, अगर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गोपाल सिंह रावत और आप देखना शुरू कर चुके हो मैथफ्लिक्स बाई GS रावत। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सीबीएसई की बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, और उसमें से एक वेबसाइट है रिजल्ट को लेके। देखिए, सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट्स की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, और सीबीएसई की रिजल्ट की वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट और क्लास 10th एंड 12th आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20th मई 2024। मतलब सीबीएसई के कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो रिजल्ट है, वो 20 मई के बाद डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। मतलब 20 मई को डिक्लेयर हो सकता है, हो सकता है 21 मई को डिक्लेयर हो, या हो सकता है 22 को डिक्लेयर हो। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि सीबीएसई का रिजल्ट पहले भी आ जाए। पहले का मतलब ये नहीं कि 15 मई को आ जाएगा, मे बी 19th मई को आ जाए, लेकिन हाँ 19th मई, 20th मई और मे बी आफ्टर 20th मई आपका सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इस बीच आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, घूमने गए तो छुट्टियां मनाइए अच्छे से, और आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए। रिजल्ट को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपको 20 मई के आसपास ही डिक्लेयर होगा, या 20 मई के बाद डिक्लेयर होगा। तो अभी बहुत सारे दिन बाकी है 20 मई को, तो रिजल्ट को लेकर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि सब सीबीएसई का जो रिजल्ट है किस वेबसाइट पे आएगा, और स्टूडेंट को डाउनलोड करने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत होगा, और किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। इसको लेके सीबीएसई ने एक यूजर मैनुअल अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। आप चाहो तो उस यूजर मैनुअल को देख के भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। वही चीज जो उसके यूजर मैनुअल में दे रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, जब आपका सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो लिंक दे रखा है, इस लिंक को किसी भी ब्राउजर में, जैसे गूगल क्रोम में, आप मोबाइल या लैपटॉप में इसको ओपन करिए। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल के स्क्रीनशॉट है। आप चाहे तो कंप्यूटर में भी देखेंगे तो कंप्यूटर में भी सिमिलर इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो जैसे आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, तो लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पे लिखा कि 10th एंड 12th सीबीएसई रिजल्ट, और ये डिजी लॉकर का पेज है। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पर आएगा। ये भी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, जिसके अंदर डिजिटली डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। और ये जो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन जो है, वो आपके डिजी लॉकर के अकाउंट को एक्टिवेट करने के बारे में है। मतलब रिजल्ट तो बाद में आएगा, आपको अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो कोई छात्र अगर चाहता है तो सीबीएसई के रिजल्ट के आने से पहले भी अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। आप अगर अपने अलग से अकाउंट बना रखे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको कुछ कोड के लिए स्कूल का इंतजार करना पड़ेगा, स्कूल से जो कोड आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, और वो रिजल्ट के दिन ही आएगा। इसीलिए ये सारी प्रोसेस आप रिजल्ट के दिन करें तो बहुत अच्छा है। तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा, और इस इंटरफेस में आपको कुछ डिटेल्स वेरीफाई करनी है, मोबाइल नंबर्स, उस पर जो ओटीपी आ रहा है, और दूसरी चीजें आपको वेरीफाई करनी है। इसके लिए आप यहाँ पे टिक करेंगे, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, और वो इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। और इसमें लिखा है क्लास, पहले
पहली इंफॉर्मेशन लिखिए क्लास, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10 पे क्लिक करिए, और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद देखा स्कूल कोड, स्कूल कोड क्या होगा, यहाँ कन्फ्यूजन होना, बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो स्कूल कोड आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका एडमिट कार्ड है जिससे आपने एग्जाम दिया है उस एडमिट कार्ड पर स्कूल कोड लिखा हुआ है, और ये 5 डिजिट कोड है। देखिए आपके एडमिट कार्ड पर स्कूल कोड भी होता है और सेंटर कोड भी होता है। सेंटर कोड जनरली 6 डिजिट का होता है, तो आपको सेंटर कोड एंटर नहीं करना है, आपको एंटर करना है स्कूल कोड। 5 डिजिट कोड यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद रोल नंबर, जो रोल नंबर आपका है वो आप एंटर करेंगे, और इसके बाद लिखा 6 डिजिट एक्सेस कोड। यहाँ पे एक्सेस कोड क्या है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जिस दिन सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सीबीएसई अपने सारे स्कूल्स को एक फाइल भेजेगा, और उस फाइल के अंदर स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का एक्सेस कोड होगा। मतलब स्कूल के पास एक ऐसा कोड आएगा जिससे हर एक स्टूडेंट का, जैसे मान लो कि क्लास 10 में 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट का एक्सेस कोड स्कूल के पास आएगा, वो स्कूल स्टूडेंट के साथ शेयर करेगा। अगर आपके साथ शेयर नहीं हुआ है तो आप एक बार स्कूल में पता कर लीजिए कि मेरा एक्सेस कोड क्या है, लेकिन ये उसी दिन आपको मिलेगा जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो पहले आप स्कूल को पूछ के उनका समय बर्बाद करेंगे, तो अच्छा यही है कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है उसी दिन आप अपने स्कूल के अंदर क्लास टीचर या सीबीएसई इंचार्ज के माध्यम से एक्सेस कोड पता कर लीजिए। जब ये 3 इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया इंटरफेस खुलेगा। इस नए इंटरफेस में आपको क्या एंटर करना है, एक तो मोबाइल नंबर एंटर करना है और आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के समय दिया है, आप उसको यूज कर सकते हैं, या अगर वो मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, आप सबमिट करेंगे, तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आएगा, इस तरीके से खुलेगा। मतलब आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपके पास आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, रिजल्ट का नहीं, आपका डिजी लॉकर अकाउंट का कंफर्मेशन हो गया उसके लिए। ठीक है, मतलब आपका अकाउंट, हाँ जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बन गया है एक तरीके से। फिर आप गो टू डिजी लॉकर अकाउंट, मतलब आपका अकाउंट कन्फर्मेशन होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट के अंदर साइन इन हो जाएंगे, और इस तरीके का इंटरफेस आपका दिखेगा। यहाँ पर आपकी फोटो रहेगी और यहाँ पर आपका नाम रहेगा। अब इसमें आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है इश्यू डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपने पहले से ही डिजी लॉकर अकाउंट बना रखा है तो जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डाउनलोडेड है वो भी यहाँ पे शो किए जाएंगे, लेकिन अगर आपने पहले से नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इश्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे जनरली आधार कार्ड और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी होती है, और यहीं पे यही इसी इंटरफेस में आपका दिखाएगा कि क्लास 10th मार्कशीट या क्लास 12th मार्कशीट। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12th की मार्कशीट दिखाएंगी, और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पे दिखाएगी। मतलब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब वो लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब वो डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी। जब आप डाउनलोड होने के बाद जब आप वापस यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो भी छात्र इस बार क्लास 10th या 12th में अपीयर हुए हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं और लाता रहूँगा, और ये जो चैनल है स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए बना है। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या क्लास 11th में आप मैथ्स लेना चाहते हैं, या क्लास 12th के बाद भी आप मैथ्स कंटिन्यू रख रहे हैं, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़िए। इससे आपका बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से आपको मिलेगी, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।